नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर एक YouTube चैनल की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग आपको जितने भी ऐसे ट्यूटोरियल जो कि ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड, जिसमें टीचर्स इस्तेमाल करते हैं ऐसे एप्लीकेशंस जो उनके लिए काफ़ी, उनको ऐसा लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है या बहुत समझ में नहीं आ रही है, तो वैसे एप्लीकेशंस हम लोग लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग स्मार्ट पैनल एक देख रहे हैं, हमारे पीछे लगा हुआ है। इस स्मार्ट पैनल पर जो भी सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जा रहे हैं और कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको यूज़ करने के बाद हमारे रियली में जो हमारे पढ़ाने का टेक्निक है वो बदल जाता है, काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है, अच्छा लगने लगता है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला हमारा सॉफ्टवेयर है जो हम लोग नोट, एक सॉफ्टवेयर है नोट 3 जो हम लोग देखने जा रहे हैं। नोट 3 में क्या क्या कैसे इस्तेमाल होगा, कहाँ कहाँ कौन से टूल्स होते हैं, किस टूल्स से क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो ये हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नोट की ट्यूटोरियल। तो जैसा आप देख रहे हैं हमारे बोर्ड पे नोट डला हुआ है, हमने नोट को ओपन किया, ये कुछ समय लगाता है। अब ये हमारा नोट का फ्रंट पैनल है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। नीचे आप देख रहे होंगे, नीचे में बहुत से टूल्स दिए हुए हैं, अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग कुछ ऑप्शंस हैं, जो मैं आपको सारे टूल्स और सारे ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। जैसा आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों कि अभी लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर पे हमारे दिखाई दे रहा है 3 लाइंस दिखाई दे रही हैं। ये लाइंस जो हैं एक्चुअली जो भी इसके अंदर मेनू सेटिंग्स होते हैं, ये मेनू ही है एक तरह से। जैसे मोबाइल में, कंप्यूटर्स में और भी जगह पे मेनू हम लोग खोलते हैं जिसके अंदर सारे हमारे सेटिंग्स या ऑप्शंस हमें दिखाई देते हैं, तो ये मेनू है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे फाइल है, इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट, ट्रेंड, सेटिंग्स और मोड है, एग्जिट है। तो इसमें इन ऑप्शंस को हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इन ऑप्शंस में होता क्या क्या है। जैसे सबसे पहला हमारा ऑप्शन है फाइल। फाइल का मतलब है किसी भी हम फाइल को यहाँ पर न्यू जैसे क्लिक करते हैं तो न्यू फाइल में ये क्रिएट हो जाता है, एक बोर्ड हमारे पास फ्रेश न्यू बोर्ड हो जाता है। इस फ्रेश न्यू बोर्ड का मतलब ये है कि हम फिर से अगर 3 लाइंस पे क्लिक करते हैं और इसको हम सेव एज कर सकते हैं। सेव एज करने का मतलब कि जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ न्यू डॉक्यूमेंट और नीचे लिखा हुआ आ रहा नोट फाइल। नोट फाइल का मतलब ये होता है कि जो भी कुछ हम इसके अंदर पढ़ाएंगे, बताएंगे, ये सारी चीज़ें नोट फाइल के अंदर सेव होंगी, ठीक है। नोट फाइल के अंदर सेव होने का मतलब है कि ये फाइल एक्सटेंशन नोट का होगा और ये सिर्फ नोट के अंदर ही खुलेगा, ये कहीं बाहर नहीं खुलेगा। आप जितने भी चीज़ें इसके ऊपर पढ़ाएंगे, अलग अलग पेजेस खोलेंगे, अलग अलग टूल्स खोलेंगे, वो सारी चीज़ें एक तरह से सेव होती चली जाएंगी। और जब आप रिकॉल करना चाहेंगे या क्लास के बाद दोबारा से रिपीट करना चाहते हैं कि सेम हमने जो पढ़ाया वो सारी चीज़ें हमारे इसके सामने रिपीट हो, तो आप यहाँ से अपने सेव किए हुए फाइल को एग्जैक्टली खोलकर पूरे बोर्ड पर जो भी आपने लिखा होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स, डायग्राम्स या PDF आपने इसके अंदर इम्पोर्ट किया होगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको एज इट इज़ खुल जाएंगी। तो चलिए, ये पहला ऑप्शन है, हमने नोट देखा, ये नोट फाइल सेव कैसे करेंगे देखा। अब हमारे पास इसमें ऑप्शन है दूसरा इम्पोर्ट का, ठीक है। अब हम लोग इम्पोर्ट में क्या कर सकते हैं, तो इम्पोर्ट का मतलब ये है कि हम किसी भी फाइल को, इसमें PDF हो या PPT हो, ठीक है, हम PDF या PPT के फाइल को इसके अंदर इम्पोर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने डाउनलोड में मान लीजिए कि कोई PDF या कोई भी अपना ऐसा एक डॉक्यूमेंट, PPT हो, PDF हो, हम जिसको सेव कर रखे हैं, हम इसको इसमें खोलना चाहते हैं और हम यहां से ओपन कर सकते हैं अपने उस फाइल को। JPG इमेज खोल सकते हैं, GIF खोल सकते हैं, PNG इमेज खोल सकते हैं, PDF खोल सकते हैं। तो ऐसे इससे संबंधित कोई भी हम लोग एप्लीकेशन जो कि पढ़ाने के लिए हम लोग अपना अगर कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जिसे बच्चों को डिलीवर करना है, उसमें डायग्राम्स हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ से हम लोग इम्पोर्ट कर सकते हैं, वो डायरेक्टली हमारे इस स्क्रीन पर आ जाएगा। चलिए हम लोग इम्पोर्ट कर लास्ट में देखेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे टूल की तरफ, एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि आप इन फॉर्मेट्स में से, जैसे इमेज है, वर्ड है, PPT है, PDF है, इनमें से अपने इस पे जो भी आपने पढ़ाया है, जो कुछ भी लिखा है आपके हैंडराइटिंग में, जो यहाँ लिखा हुआ है, इन सबको आप सेव करना चाहते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं किसी अदर डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, जैसे वर्ड के फॉर्मेट में, PPT के फॉर्मेट में या PDF के फॉर्मेट में, आप यहां से डायरेक्टली अपने फाइल को उस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप यहां से एक्सपोर्ट करते हैं, वो फाइल आपका उस एक्सटेंशन में जाकर सेव हो जाएगा। इन केस आपको वो फाइल पढ़ाया हुआ क्लास है, जैसे आपकी क्लास अभी ख़त्म हुई, आपने पढ़ाया, एक घंटे आधे घंटे का सेशन था, 10-15 पेजेस आपने पढ़ाए,
या 10-15 पेजेस में आपने उसको पार्ट बाई पार्ट पढ़ाते चले गए और आप चाहते हैं कि वही क्लास नोट्स बन जाए और उसको मैं अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर कर दूँ, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू, चाहे ईमेल के थ्रू, कोई भी अलग ऑप्शंस बहुत से हैं, टेलीग्राम पे, बहुत जगह पे लोग अलग अलग तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ़ाइल को। तो आप डायरेक्टली यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं फ़ाइल को और वो बना हुआ फ़ाइल एग्जैक्टली हूबहू बच्चों के पास डिलीवर हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। तो दोस्तों हम लोग अपने अगले टूल्स की तरफ चलते हैं। जो अगला टूल है हमारा, आप देख रहे होंगे इसमें चौथे नंबर पर प्रिंट है। तो प्रिंट का एक्चुअली वर्क ये है कि अगर आपका मान लीजिए कि ये पैनल, ठीक है, ये भी किसी लैन या वाईफाई से सेम उसी नेटवर्क से कनेक्टेड है जिस नेटवर्क पे कोई आपका प्रिंटर भी हो, सर्वर हो, या प्रिंटर डायरेक्टली आपका इसमें कनेक्टेड हो, आप इससे भी डायरेक्ट प्रिंट अपना प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको कोई भी फाइल चलते हुए, क्लास चलते हुए अगर मान लीजिए नोट्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी को देना है, तो आप तुरंत यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन कमांड देकर प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट उसी के लिए है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ जिसमें आता है सेटिंग्स। अब ये सेटिंग्स है, सेटिंग्स का मतलब हो गया कि आपको इस नोट के अंदर जो काम करना है वो सॉफ्टवेयर का लैंग्वेज कौन सा चाहिए, ये लैंग्वेजेस हैं, कुछ लैंग्वेज ऑप्शंस है इसके अंदर में, आप इसमें से कोई सा भी लैंग्वेज ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये लैंग्वेजेस हो गया। तो अब हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे फॉन्ट साइज़ का, हम लोग जितना साइज़ देंगे उतना बड़ा फॉन्ट हमारा दिखाई देगा। अब इसमें कुछ ऑप्शन है जैसे फाइल रिकवर्ड एक्सीडेंटली, अगर कभी बाय चांस ये बंद हो जाता है, पैनल अचानक से पावर शॉर्टेज हो जाती है, तो आपका जो फाइल जो आपने जहाँ तक पढ़ाया था वो फाइल आपका सेव एग्जैक्टली वहीं पर सेव मिले, या वहाँ से आपको रिकॉल करने का ऑप्शन मिल जाए कि जो हमारा फाइल हमने अभी तक यूज़ किया, पढ़ाया, बताया, वो सारी चीज़ें उसके अंदर वापस से आ जाए। तो ये ऑप्शन है, उस पर ऑलरेडी आपका टिक मार्क लगा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। इनेबल ऑटो अपडेट ऑफ सॉफ्टवेयर, तो ये कभी सॉफ्टवेयर का कोई अपडेट आता है ये ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा, या आपसे एक बार पूछेगा कि अपडेट करना चाहते हैं तो यस क्लिक करें, नहीं करना चाहते नो क्लिक करें। आप जैसे ही यस करते हैं ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आपका अपडेट हो जाएगा। अब हम लोग अगले ऑप्शन के तरफ चलते हैं जो है इनेबल पीपीटी प्रेजेंटेशन असिस्ट। पीपीटी प्रेजेंटेशन असिस्ट का मतलब ये हुआ कि जो भी पीपीटी हम लोग इसके अंदर इंपोर्ट करते हैं, क्या वो पीपीटी को आप चाहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर खुद से आपको असिस्ट करे, एक होता है मैनुअल, एक होता है ऑटोमेटिक। तो ये हमने देखा अभी सेटिंग्स का ऑप्शन। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। नेक्स्ट है हमारा हेल्प। हेल्प इसलिए है कि आप कुछ भी अगर देखना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो इसके अंदर कंप्लीट पीडीएफ मैनुअल है जो आप देख सकते हैं। यहाँ से आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, थोड़ा सा आप स्टडी कर सकते हैं कि ये हमारा सॉफ्टवेयर काम कैसे कैसे करता है, इसके अंदर और क्या क्या ऑप्शंस वेरिएंट्स हैं जो हम लोग इस्तेमाल या चेंज कर सकते हैं। तो ये हम लोग इसके बाद चलते हैं मोड। मोड में आप देख रहे होंगे इसमें तीन मोड दिए हुए हैं, एक है टीचिंग मोड, एक है प्रिपरेशन मोड और एक है डेस्कटॉप मोड। तो टीचिंग मोड अभी हमारा ओपन है। प्रिपरेशन मोड में हमारा स्क्रीन छोटा हो जाएगा और यहाँ पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और प्लस क्लोज करने का मेनू आ जाता है। तो ये मोड जो होता है, ये मोड उसके लिए होता है जो इंस्टेंट कुछ इधर से उधर काम करना चाहते हैं या दो तीन टैब्स खोल रखे हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के और उनके अंदर स्विच ऑफ करना चाहते हैं, तुरंत तुरंत सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं कि हम इस सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में चले जाएँ, तो ये उनके लिए होता है। खैर, इस सॉफ्टवेयर को हमें यूज़ करने की ज़रूरत अभी नहीं है। हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे तो टीचिंग मोड यूज़ करेंगे। टीचिंग मोड के अंदर फुल फ्रेम आपका बोर्ड आएगा, राइटिंग एरिया आएगा, इसमें कहीं पे भी कोई एरिया कटेगा नहीं, एग्जैक्टली आपका 16:9 का कंप्लीट फ्रेम लेगा ये, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सेटिंग के तरफ। इसके अंदर में है एक डेस्कटॉप मोड। तो डेस्कटॉप मोड आखिर है क्या और डेस्कटॉप मोड के अंदर ऑप्शंस क्या क्या हैं? तो डेस्कटॉप मोड का मतलब ये होता है कि हम इस सॉफ्टवेयर को ओपन करके हम किसी भी अदर एप्लीकेशन में राइटिंग के लिए या एनोटेशन के लिए कहीं पे भी जा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर डेस्कटॉप मोड पे क्लिक किए, डेस्कटॉप मोड पे क्लिक करते ही आप देख रहे होंगे कि साइड में बस एक छोटा सा पैनल हमारा ये आ गया नोट का, ठीक है, और हमारे पास पूरा डेस्कटॉप आ गया कम्प्लीटली वर्क करने के लिए। जैसे हम यहाँ पर पेन अगर उठाते हैं, पेन यहाँ से पिक करते हैं, ठीक है, अब हमने पेन पिक कर लिया, तो पेन पिक करने के बाद हम चाहें तो डेस्कटॉप पे कहीं पे भी लिख सकते हैं, चाहे ये बता सकते हैं कि ये हमारा नोट है। उसी तरीके से हम कुछ भी बता सकते हैं, जैसे ये ओपन ऑफिस डला हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि ये ओपन ऑफिस है। तो हमारे पास इस पे कहीं पे भी लिखने का और एनोटेट करने का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो ये इसके लिए डेस्कटॉप मोड ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं।
अच्छा, इसके ऊपर भी आपकी रबिंग और इरेजिंग जो है एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगी जैसा नोट सॉफ्टवेयर के अंदर करती है। तो एग्जैक्टली ये कोई डिफरेंस यहाँ पे आपको फील नहीं होगा कि हम नोट के अंदर काम कर रहे हैं, नोट के बाहर काम कर रहे हैं। तो ये एक हमारा डेस्कटॉप मोड का एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अगर हम माउस पे क्लिक करते हैं तो हम किसी भी एप्लीकेशन को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। चलिए हम लोग नोट के अंदर वापस चलते हैं। तो ये हमारे नोट के अंदर का जितने भी मेनू के अंदर का ये बेसिक एग्जिट आप समझ ही सकते हैं कि एग्जिट का मतलब ऑब्वियसली एग्जिट ही होता है कि यहाँ से आप नोट को बंद करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं और इसके बाहर जाना चाहते हैं। तो आप यहाँ से एग्जिट प्रेस करते ही नोट बंद हो जाएगा। तो ये हमारे पास डेस्कटॉप मोड का पहले ऑप्शन में पहले ही डेस्कटॉप मोड का एक शॉर्टकट है, ठीक है। अगर हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली हम डेस्कटॉप मोड पे चले जाएंगे। तो ये एक डेस्कटॉप मोड का हमारे पास यहाँ पे एक शॉर्टकट है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सेटिंग्स, एक तरह से ये बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि हैमर है, टूल्स बने हुए हैं। तो ये टूल बॉक्स, इसके मतलब कि इसके अंदर में ही सारे आपके मेजरली काम करने वाले जितने भी टूल्स होंगे वो सारे इसके अंदर में आपको मिलेंगे। अच्छा, सबसे पहला हमारा ऑप्शन आता है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप सब्जेक्ट लिखा हुआ है, उसके बगल में डिसिप्लिन टूल्स है, टूल्स है और फिर आगे मोर रिसोर्सेज है। मोर रिसोर्सेज का मतलब ये आपको इंटरनेट के ऊपर ले जाएगा और जो नोट से रिगार्डिंग कुछ इसके साथ सॉफ्टवेयर हैं जो आप फ्री में भी हैं, कुछ परचेसेबल सॉफ्टवेयर हैं जो यहाँ से आप निकाल सकते हैं अपने एक्स्ट्रा यूज़ के लिए। तो हम लोग चलते हैं, अब पहले देखते हैं सबसे पहला सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बैकग्राउंड इन सॉलिड कलर, डिसिप्लिन बैकग्राउंड, टीचिंग बैकग्राउंड, कस्टमाइज का ऑप्शन है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। तो बैकग्राउंड इन सॉलिड कलर का क्या मतलब है? बैकग्राउंड इन सॉलिड कलर का मतलब ये है कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी बैकग्राउंड इसके अंदर में, जैसे अभी लाइट ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, इसके अंदर हम कोई भी कलर चूज कर सकते हैं और हमारा बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाता है, हमारे बैकग्राउंड का वो कलर आ जाता है जो कलर हम चाहते हैं। जैसे हम डार्क बैकग्राउंड पे पढ़ाना चाहें तो हमारे पास डार्क ग्रीन है, हमारे पास ये आपके पास एक पिक कलर का भी ऑप्शन है, यहाँ से आप चाहें तो एग्जैक्टली ब्लैक भी ले सकते हैं तो ब्लैक कलर का आपका बैकग्राउंड हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशंस हैं जिस कॉम्बिनेशन पे आप पढ़ाना चाहें और यहाँ से आप अपने अलग अलग कलर के फॉर्मेट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है बैकग्राउंड इन सॉलिड कलर का। हम लोग अगला ऑप्शन देखते हैं डिसिप्लिन बैकग्राउंड। डिसिप्लिन बैकग्राउंड एक्चुअली उनके लिए है जो स्कूल्स में या किसी एक चीज़ को, एक स्ट्रैटेजी को या मैथ्स को, इंग्लिश को, कर्सिव राइटिंग या इन सब चीज़ों के लिए पढ़ाना चाहें। तो जैसे इसमें ऑप्शन है हमारे पास, जैसे ये देखेंगे ये लाइनिंग्स आ गई, इस पर आप ग्राफ वगैरह एक्सप्लेन करना हो इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। उसी तरीके से अलग अलग पैटर्न्स में बड़े चेक बॉक्सेस हैं मैथ्स वगैरह या और भी चीज़ें बताने के लिए यहाँ यूज़ की जा सकती हैं। ये इंग्लिश वाले राइटिंग बुक की तरह, नोटबुक की तरह आ जाती है लाइंस की, इसके अंदर आप कर्सिव राइटिंग, हैंड राइटिंग, बड़े छोटे लेटर्स, ये सब छोटे मतलब स्कूल्स वगैरह में छोटे बच्चों को सिखाने के लिए, बताने के लिए ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, अगला हमारे पास इसमें ऑप्शन है ये है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, टीचिंग बैकग्राउंड। टीचिंग बैकग्राउंड वो है जिसके अंदर आपको अलग अलग पहले से प्रीसेट्स दिए हुए हैं कि आपको एक बकायदा डिज़ाइन है, जैसे ज्योग्राफी का टीचर है तो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और भी कोई है जैसे मैथ्स के हैं, मैथ्स वाले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें कुछ बने हुए इस तरीके से पैटर्न है, जैसे एक ये है क्लासिक बोर्ड है, ये ग्रीन बोर्ड विथ फ्रेम इसके साथ में दिया हुआ है, जहाँ पे एक छोटा सा डस्टर भी बना हुआ है। खैर यूज़ नहीं कर सकते आप, लेकिन ये एज अ फ्रेम है, एक फ़ोटो बना हुआ है। इसी तरीके से आप अलग अलग बैकग्राउंड्स यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको जैसा बैकग्राउंड अपने पढ़ाने के लिए, कुछ बताने के लिए, जैसे कुछ है ये पीछे ऐसा है थोड़ा ओल्ड नोटबुक के कवर या उसको बोल सकते हैं उस टाइप का लग रहा है, जैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं हिस्ट्री वाले टीचर वगैरह थोड़ा सा एक फील लाने के लिए। तो इस तरीके से आप अलग अलग बैकग्राउंड्स हैं और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अगले बैकग्राउंड, अगले ऑप्शन की तरफ, ये है कस्टमाइज। कस्टमाइज का मतलब ये होता है कि अगर आप 16:9 में कोई सा भी 4K इमेज बनाकर आप इसके बैकग्राउंड में लाना चाहते हैं तो आपका वो खुद का बनाया हुआ फ्रेम और डिज़ाइन इसके पीछे आ सकता है। आप इजीली फोटोशॉप से और फ्री बहुत से सॉफ्टवेयर से, जैसे कैनवा है, आप ऑनलाइन कोई भी सॉफ्टवेयर से आप बना सकते हैं। तो ये आपका कस्टमाइजेबल बना हुआ जो इमेज है वो आपका यहाँ पे इंपोर्ट करके आप इसको बना सकते हैं, यहाँ से आपको ऑप्शंस मिलते हैं। अच्छा चलिए, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि हम कोई भी फाइल को कहीं से भी, रिसोर्स लाइब्रेरी है, हम कहीं से भी किसी भी फाइल को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली
तो ये वही फैसिलिटी है जो आपके पास सबसे पहले इंपोर्ट का ऑप्शन था, यहाँ से भी आप वही काम करेंगे। बस यहाँ पे कि फाइल डायरेक्टरी आपकी स्पेसिफिक हो जाएगी कि आपको एग्जैक्टली कहाँ जाना है, आप अंदर तक जाकर उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ये हमारा ऑप्शन है डायरेक्टली यहाँ से आप गूगल वगैरह कोई भी ब्राउज़र कुछ भी सर्च कर सकते हैं और उसके ऊपर पढ़ा या बता सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। आपको अगर लगता है कि आपको सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है, किसी चीज़ के बारे में बच्चों को बताना है, कुछ बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ पहले ही से बने हुए कुछ ऐसे चीज़ हैं नोट्स हैं ऑनलाइन, या किसी के वीडियो को दिखाना है, आप यहाँ से वो सारे काम कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट अपने मेजर टूल्स की तरफ आते हैं। ये हमारे पास कुछ नीचे सामने टूल्स दिए हुए हैं कि ये टूल्स का फंडा एक्चुअली ये है क्या और इस सारे टूल्स का हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, तो ये बैकग्राउंड थोड़ा सा आएगा, तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले पेन टूल की तरफ। इसको हम लोग सेलेक्ट टूल को तब देखेंगे जब यहाँ पे कोई भी फाइल हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर चुके होंगे। तो पेन टूल्स में हम लोग आते हैं। पेन टूल्स में जैसे ये तो ऑब्वियस सी बात है पेन टूल है, तो पेन टूल का मतलब हो गया कि आप कुछ भी लिखना चाहते हैं तो पेन टूल के ही सहायते और आप लिख सकते हैं। तो इसमें पेन टूल्स के अंदर अलग अलग कलर्स के ऑप्शन हैं, कुछ कलर्स आप मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं कि हमें यही कलर चाहिए तो एग्जैक्टली वही कलर आपको बनकर मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं कि पेन टूल के अंदर हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। जैसे कि हम ये वाइट कलर लेते हैं ताकि इसकी विजिबिलिटी, डार्क ग्रीन मैं यूज़ कर रहा हूँ बैकड्रॉप, तो डार्क ग्रीन पे वाइट कलर या येलो कलर बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग डार्क ग्रीन पे वाइट कलर यूज़ कर रहे हैं। ठीक, हम लोग देख रहे हैं ये हमारा थिकनेस है, पेन का क्या थिकनेस होना चाहिए, ये हम यहाँ से थिकनेस सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट सबसे पहले जो है पेंसिल के फॉर्म में बना हुआ ये हमारा पेन है, हम इसे जो कुछ भी लिखेंगे ठीक है तो ये हमारा स्क्रीन पे ऐसे दिखेगा। मतलब एक नॉर्मल है, एक नॉर्मल फॉन्ट है जिसमें मतलब कोई भी थिकनेस में मोटी पतली कुछ भी नहीं होगी, एग्जैक्टली बेसिक और बेस लाइन की तरह चलेगा, जो कुछ भी हम लिखेंगे वो फ्लैट रहेगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। ये दिख रहा है ब्रश है, ये ब्रश टूल है। एक तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्रश एक तरफ से चौड़ा एक तरफ से पतला होता है, तो चौड़ा पतला होता है तो हम यहाँ कुछ भी लिखेंगे ठीक है, जैसे कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो एक तरफ से देखेंगे आप मोटा एक तरफ से पतला आ रहा है, तो हम कुछ भी अगर ड्रॉ करते हैं ठीक है तो जैसे ब्रश से पेंटिंग ब्रश से हम लोग लिखते हैं वो वैसा ही फील आपको आएगा कि हम लिख रहे हैं, वैसा ही लगेगा कि लिखने के बाद हमारा डिज़ाइन उभर रहा है या राइटिंग हमारे वैसी आ रही है। अगला टूल है हमारे पास ये हाइलाइटर है, हाइलाइटर हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कुछ पढ़ा रहे हैं उस बीच में चाहिए हमें कि हम कुछ हाईलाइट करना चाहते हैं टेक्स्ट को लाइन को वर्ड्स को, तो हम इसे हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं। अगला हमारा टूल है, ये भी एक ब्रश टूल है, ये ब्रश टूल ऑब्वियस जो पहले जैसा ही है लेकिन उससे थोड़ा सा जैसे आप डिज़ाइन देख रहे हैं इसके कि इसके आगे आके नॉब जो है इसकी पतली हो गई, तो ये वैसा ही है कि इसके अंदर जो है ठीक है नॉब आपका पतला ही हो जाएगा ठीक है, लेकिन इसकी राइटिंग भी बहुत ही खूबसूरत आती है तो इसके अंदर भी हम लोग लिख सकते हैं। अगला हमारे पास ये ऑप्शन है, ये है लेज़र। लेज़र का मतलब ये हो गया कि लेज़र पेन है, हम जो कुछ भी लिखते हैं यहाँ पर ठीक है ये लिखने के बाद हमारा ब्लिंक करता रहेगा कुछ देर तक, ये ब्लिंकिंग चालू रहेगी और फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक तरह से जैसे कुछ अगर आपको ऐसा है कि आपको ये कुछ सेकंड के लिए दिखाना है बच्चों को और दिखाना है कि वो फ्लैश करता रहे और उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा देर तक ना हो कि आपको ज़्यादा देर तक ये दिखाने की ज़रूरत है, तो आप लेज़र पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला हम लोग चलते हैं, ये हमारे पास एक तरह से मैजिक वैंड कर सकते हैं जिसमें आपको अलग अलग जैसे दिखाते हैं कि परियों के हाथ में होता है, तो ये उसी टाइप का है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। कुछ पैटर्न्स इसमें दिए हुए हैं, कुछ क्लिप आर्ट्स होते हैं, क्लिप आर्ट्स आप जैसे गूगल पे जाकर सर्च करते हैं क्लिप आर्ट्स, तो क्लिप आर्ट्स में बहुत से आपको ऐसे इमेज मिल जाएंगे जो आपको प्रॉपरली वही डिज़ाइन चाहिए वही पैटर्न चाहिए, तो आप क्लिप आर्ट्स निकाल कर यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी चीज़ है, अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे डिज़ाइन हैं टिक का साइन है या कुछ भी आपको चाहिए वो निकल जाता है। तो जैसे टिक का साइन बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, आप देखे होंगे कि लोग क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन के बाद बच्चों से आंसर पूछे, आंसर सही होने के बाद उसके बाद टिक लगा देते, तो टिक खुद से मैनुअल भी लगाते हैं और कुछ बने हुए डिज़ाइंस टच करते ही टिक आ जाते हैं, तो बड़ा खूबसूरत लगता है कुछ इंट्रैक्टिव होता है, तो आप अलग अलग टीचिंग में अपने प्रोफाइल के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा एक तरह से मैजिक बैंड है, जो कुछ भी हम करेंगे वहाँ पे, जैसे कि बच्चों ने सही जवाब दिया तो स्टार लगा सकते हैं, किसी ने जिसने इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे पास एक तरह से मैजिक बैंड है। अब हम लोग चलते हैं लास्ट, लास्ट ये है
जो आपका टेक्सचर पेन है, टेक्सचर पेन का मतलब कि यहाँ पे कुछ टेक्सचर्स हैं, ठीक है, हमें चाहिए कि कुछ कहीं पे टेक्सचर दिखाना है, एग्जैक्टली हाईलाइट करना है, ये जगह है यहाँ पे ऐसे टेक्सचर हैं, ऐसे हैं, या दो तीन चार टेक्सचर्स जो डिज़ाइनर्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अलग अलग टेक्सचर्स को एक साथ में ड्रॉ करके देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है, कौन सा टेक्सचर अच्छा लग रहा है, किसकी कलर अच्छा लग रहा है, किसका कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से ये उनके यूज़ का है, इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कि हमने पेन के सारे फीचर्स देख लिए कि पेन के अंदर हमारे पास कौन कौन से फीचर्स थे और कौन कौन से पेन हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अगला हमारे पास ऑप्शन है, एक तो इरेजर आप देख रहे हैं कि अगर हम पेन मोड में रहते हैं, हम हाथ को अगर पाम को अपने लगाते हैं, कैसे भी लगाएंगे, तो हमारा एक इरेजर ऑलरेडी डस्टर एक बना हुआ फॉर्म आ जाता है। एक इरेजर ये है, इसके अंदर आपको क्या है कि इसके अंदर भी दो तीन ऑप्शन हैं। एक तो है इरेजर, ये सेलेक्ट करते हैं तो पर्टिकुलरली उतना ही आएगा जहां हमें इरेज करना हो, हम कहीं पे भी अपने हिसाब से इरेज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास सेलेक्ट इरेज। सेलेक्ट इरेज में क्या होगा कि हमें कोई भी एरिया को सेलेक्ट कर लिया जहां हमने लिखा था और उसको हटाना था। अगर हमने इस एरिया को सेलेक्ट कर लिया, यहां पे मैंने कुछ लिख रखा है, और वो एरिया हमारा गायब हो जाएगा सेलेक्ट इरेज से, ठीक है। और ये हमारा है स्लाइड टू क्लियर पेजेस, ये लास्ट वाला जो आपको दिख रहा है कि अगर हम इसको ऐसे स्लाइड करते हैं इस तरीके से, तो ये स्लाइड करने के बाद जो कुछ भी इसके अंदर लिखा हुआ है, इम्पोर्ट है, जेपीजी है, पीडीएफ है, इमेज है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपका बोर्ड एक बार में क्लियर कर देगा, ये वो ऑप्शन है। जैसे आपने कुछ पढ़ाया, वो टॉपिक एंड हो गया, उस टॉपिक के बाद आपको ज़रूरत नहीं है कोई भी चीज़ बोर्ड पर होने का, तो आप एक बार में क्लियर ऑल कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। ये हमारा जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हैं, इंटेलिजेंट आइडेंटिफिकेशन। अगर आप कोई भी चीज़ इसमें से सेलेक्ट करते हैं और आप ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा ये सॉफ्टवेयर कि आपने क्या ड्रॉ किया है, और उसके अकॉर्डिंगली एक डिज़ाइन, एक लेआउट आपके सामने लाकर बनाया हुआ शार्प इमेज एक लाकर रख देगा। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करना है, तो आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये सर्कल को आइडेंटिफाई करेगा, सर्कल बना देगा। आप ट्राइंगल सेलेक्ट करते हैं तो ट्राइंगल आइडेंटिफाई करेगा और ट्राइंगल बना देगा। तो मतलब ये उनके लिए अच्छा है जो मैथ्स वगैरह के टीचर हैं, और वो चाहते हैं कि हम जो कुछ भी ड्रॉ करें और वो एग्जैक्टली तुरंत ड्रॉ हो जाए, तो वो यहाँ से ऑप्शन हैं। इसके अंदर फिर भी जैसे सर्कल है, ओवल है, आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर शेप है, अलग अलग शेप्स इसमें बहुत से दिए हुए हैं कि आप कौन से शेप को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो एक बाकायदे इस शेप को सेलेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि आप उसी शेप को ही ड्रॉ कर सकते हैं। और जो सबसे पहला ऑप्शन है, इसका मतलब ये होता है कि ये डिफ़ॉल्ट है, ये आइडेंटिफाई करेगा कि आप कौन से शेप को ड्रॉ कर रहे हैं। आप कुछ भी मैन्युअली ड्रॉ करेंगे, चाहे वो सर्कल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, कुछ भी हो, वो एग्जैक्टली उसको पहचानेगा, और पहचानने के बाद वो उसको क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ, ये है मूव टूल। मूव टूल का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, यह हमारा पेज फिलअप हो गया, भर गया, हम यहाँ से मूव टूल यूज़ किए और यहाँ से हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मूव टूल से हम उसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब ऊपर ही या नीचे ही कर सकते हैं, आप लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे कहीं पे भी कर सकते हैं, फाइल को कहीं से कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये आपके अकॉर्डिंगली, जिनको ज़्यादा लिखने की आदत होती है, वो काफ़ी बोर्ड लिखते लिखते भर जाता है, तो लोग खोजने लगते कि हम क्या करें। तो ये एक ऑप्शन बहुत अच्छा है, जब पेज भर जाए उसके बाद आप इसको एग्जैक्टली मूव कर दीजिए, लेफ्ट या राइट स्लाइड कर दीजिए। तो ये आपका मूव टूल का फंक्शन है। अगला हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ दिख रहा है कि एक ए बना हुआ है, आपको सिंबल में आ रहा होगा, अल्फ़ाबेट है। तो अल्फ़ाबेट का मतलब ये है कि हम जो कुछ भी यहाँ लिखेंगे, ये हमारा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा टाइपोग्राफिकल फॉर्मेट में। कुछ भी हम लोग लिखते जाएंगे और ये टाइपोग्राफिकल फॉर्मेट में आपका कन्वर्ट करता चला जाएगा। तो आप यहाँ से डायरेक्टली पीडीएफ या इमेज में कहीं पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे किसी को कोई फाइल, लंबी फाइल लिखनी हो और वो लिखने में टाइपोग्राफिकल टाइप करना नहीं आता हो, तो आप इस बोर्ड से, इस फंक्शन से बहुत ही ईजिली टाइप, पूरे के लंबे से लंबे पेज को आप टाइप कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, बहुत ही फास्ट। बस आप लिखते जाएंगे और ये फॉन्ट कन्वर्ट होता चला जाएगा। ये हमारा टूल है डू अंडू का, मतलब कि अगर आप कुछ गलती कर देते हैं, आप चाहें तो उसको वापस से ला सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो ये डू अंडू टूल होता है कि आप पीछे अपने स्टेप्स में किए गए काम में, अगर आप पीछे जाना चाहते हैं, आपने उसको रब कर दिया है, आपको याद नहीं है लास्ट में मैंने क्या पढ़ाया या क्या यूज़ किया, और उस जगह पर हम दोबारा से जाना चाहते हैं, तो हम डू अंडू टूल से वापस जा सकते हैं, ला सकते हैं।
अब हमारे पास लास्ट टूल बच रहा है यहाँ पर, जो है प्लस का साइन बना हुआ है। तो प्लस का साइन है यहाँ पर, एक काउंट भी दिखा रहा है नंबर वन। ये जो हमारा काउंट दिखा रहा है ये नंबर वन दिखा रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पर प्लस पे क्लिक करते हैं नंबर टू आ गया। इसका मतलब ये है कि ये पेज एक्सटेंशन है। अगर आपको जितने पेजेस चाहिए आप उतने पेजेस बढ़ा सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं, अगर आप मूव नहीं करना चाहते हैं। अगर आप मूव नहीं करना चाहते हैं तो आप पेजेस को बढ़ा सकते हैं यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक कर करके, ठीक है। ये हमारे नोट के अंदर का बेसिक फीचर है, और लगभग इसमें मैंने सारे टूल्स, जितने भी टूल्स हैं वो सारे टूल्स अभी तक आपके लिए कवर किए हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अगले टूल, ठीक है फ्रेंड्स। अभी तक हम लोगों ने देखा कि हमने सारे बेसिक टूल्स जो हमारे इंटरफेस पे ऊपर में थे वो सारे टूल्स हम लोगों ने कवर कर लिए। उस टूल्स के क्या क्या फीचर्स थे, उस टूल्स में और क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं वो हमने देख लिया। अब हम लोग टूल्स के अंदर चलते हैं। जैसे किसी टूल्स के अंदर में अगर मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो उसमें उसके और क्या क्या हम लोग रिसोर्सेज में फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या क्या चेंजेस, क्या क्या और भी चीज़ें यूज कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं टूल्स के अंदर के टूल्स अब देखने जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग अभी चल रहे थे कि हम लोग सॉलिड कलर्स वगैरह, बैकग्राउंड कलर, डिसिप्लिन कलर, ये सब हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं डिसिप्लिन टूल। डिसिप्लिन टूल है जिसमें कुछ टूल्स पहले से दिए हुए हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश के टूल्स इसके अंदर में दिए हुए हैं। इन टूल्स का मतलब क्या होता है? इन टूल्स का मतलब होता है जैसे कोई भी आपको, जैसा भी आपको चाहिए, जैसे यहाँ पर पहले से दिख रहा है आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे बीकर है, पीरियोडिक टेबल है, आपको जो कुछ भी चाहिए वो टूल यहाँ पर आप ला सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये टूल्स केमिस्ट्री के लिए है, उसी तरीके से इसके अंदर में सभी के लिए अलग अलग टूल्स दिए हुए हैं। इसके अंदर आपका केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स के टूल्स भी हैं, ठीक है। ये फिजिक्स के कुछ टूल्स हैं जैसे वोल्टेज मीटर है, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स है। तो ये सब अलग अलग इसके अंदर टूल्स दिए हुए हैं। इसमें मैथ्स के कुछ टूल्स हैं जैसे कि कॉम्पस है, सेट स्क्वायर है, रूलर है, कैलकुलेटर है, अलग अलग इसके अंदर में मैथ्स के भी टूल्स हैं। और इंग्लिश में फोर वायर ग्रिड लाइंस जो होते हैं वो लाइंस अंदर में दिए हुए हैं कि आप उसको पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है टूल्स। टूल्स के ऑप्शन बहुत से टूल्स में भी ऑप्शन है, जैसे ब्राउज़र है। ब्राउज़र का मतलब ये कि अगर आपको ब्राउज़र चाहिए इसी के अंदर में, तो एक ब्राउज़र खुल जाएगा, यहाँ से आप जो कुछ चाहें सर्च कर सकते हैं और उसको राइटिंग मोड में आप बता भी सकते हैं पेन सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है ब्राउज़र का। अब हमारे पास ऑप्शन है राइटिंग बोर्ड का। राइटिंग बोर्ड वो है जैसे आप पढ़ाते समय अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहें तो बोर्ड को आपने दूसरे कलर में बैकग्राउंड ले लिया है और आप चाहते हैं कि एक वाइट बोर्ड आपके सामने जब भी चाहें आप लिख रहे हैं और उस पर कोई डायग्राम आपको बतानी है, आप इस पर डायग्राम नहीं बताना चाहते हैं, इस पर सिर्फ आप चाहते हैं कि रिटन फॉर्मेट में काम चलता रहे, तो आप यहाँ लिखते जा रहे हैं। और अगर आपको कुछ चाहिए, बीच में ड्रॉ करना है, कुछ बनाना है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, फिर इसको आप स्लाइड ओवर कर सकते हैं। ये वो फॉर्मेट होगा जो कहीं पे भी आपको रिकॉल करने की आवश्यकता पड़ती है किसी टॉपिक को पढ़ाते हुए। हमारे पास है अगला क्लॉक है। क्लॉक का मतलब ऑब्वियस की घड़ी है, एक टाइम वाली घड़ी आ जाएगी। अगर आप या तो रीजनिंग वगैरह के टीचर बड़ा पसंद करते हैं इस ऑप्शन को क्लॉक बताने के लिए, उसी तरीके से हमारे पास कैलेंडर है, मैग्नीफायर है, मास्क है। मास्क भी एक अच्छा फीचर है, जैसे कोई पज़ल वगैरह कोई भी चीज़ करा रहे हैं तो वो चाहते हैं कि हम कुछ भी हिडन फॉर्मेट में लिख दिए यहाँ पे, उसके आंसर्स नीचे हैं, या क्वेश्चंस यहाँ लिख दिए आंसर्स नीचे हैं, अगर बच्चे को दिखाना है लास्ट में आंसर तो हम मास्क नीचे कर दिए। तो ये किसी भी तरह से जैसे आपको आप सोच सकते हैं कि हम इस फॉर्मेट को कैसे भी हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं किसी भी फीचर को अप्लाई करने के लिए। ज़रूरी नहीं कि जैसा मैं बता रहा हूँ आपकी एप्लीकेशन भी वैसी ही होगी, आपकी एप्लीकेशन अलग हो सकती है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगला ये एक स्पॉटलाइट का फीचर है। स्पॉटलाइट का मतलब ये है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ आपको यहीं पर दिखानी है, ठीक है, तो ये आपका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। और आप कोई चीज़ अगर बहुत सारा चीज़ लिखे हुए हैं तो आपको दिखाना है कि पहले आपको ऑप्शन वन दिखाना है या ऑप्शन टू दिखाना है, आप स्लाइड ओवर कर सकते हैं और आपके ऑप्शंस हिडन रहेंगे बाकी चीज़ें, और सिर्फ वही दिखाई देगा जो एरिया आप दिखाना चाहते हैं और जितना दिखाना चाहते हैं। तो ये आपके पास साइज़ का एक ऑप्शन है। तो ये एक तरह से स्पॉटलाइट की तरह काम करता है कि कहाँ फोकस करना है किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है। अगले ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं। टाइमर है, टाइमर है। अगर आपको स्टॉप वॉच की तरह, जैसे स्टॉप वॉच चाहिए आपको, उस तरीके से ये काम करता है, ठीक है, तो आप टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं अगले ऑप्शन के, तो स्क्रीनशॉट।
अगर आपको कोई चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना हो पढ़ाते हुए या किसी चीज़ को कट एंड क्रॉप करना हो तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने एक बार क्लिक किया ये कंप्लीट स्क्रीनशॉट एक सेव हो जाएगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर एरिया करना है सेलेक्ट कि हमको सिर्फ इतने से इतने दूर का ही एरिया चाहिए, स्क्रीनशॉट के अंदर में कुछ लिखा है मैंने या कुछ डायग्राम बनाया था अच्छा बन गया गलती से और उसको आप सेव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। उतने दूर का एरिया सेलेक्ट होकर आप जेपीजी इमेज में वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो ये अलग अलग डिज़ाइंस हैं किस डिज़ाइन में आपको चाहिए, तो आप इनमें से जो भी डिज़ाइन चाहें वो डिज़ाइन इस्तेमाल कर सकते हैं।